जय सेवा आप सभी को। जय सेवा। अपना परिचय बताइए। माय नेम इज दिव्यांशु, आई एम स्टडी इन क्लास 4 सी। हाँ। माय नेम इज दिव्यांशु कुमरे, माय क्लास इज 3rd बी। अच्छा अच्छा ये बताइए कि अभी छुट्टी हुई है तो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं घर पर? हाँ कि खेल ही रहे हैं? खेल रहे हैं, कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं। कॉपीज दुकान से खरीद के लाई तो। अच्छा तो ये बताइए कि जीवन में क्या बनना है आपको? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? हाँ। अच्छा डॉक्टर बनकर क्या करना चाहोगे आप? इलाज करना चाहोगे? हाँ। अच्छा तो उसके लिए आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं अभी? 4 घंटे। दोनों चार चार घंटे पढ़ाई कर रहे हैं? पाँच। अच्छा कौन कौन से सब्जेक्ट को कितने कितना समय दे रहे, कितने घंटे समय दे रहे हैं? अच्छा 1 आवर्स है ना। आप कितना समय दे रहे हैं? मेरे 4 सब्जेक्ट में तो 1 आवर दे रहे हैं ना। सुबह कितने बजे उठ जाते हो? 4। आप कितने बजे? 5 बजे। स्कूल का टाइम क्या आप लोगों का? 10:30। 10:30। और आपके स्कूल का? 10:11। अच्छा तो ये बताइए कि पढ़ाई के साथ साथ आपको और क्या, मतलब आपकी क्या हॉबी है, क्या शौक हैं? पोएम्स वगैरह, सिंग वगैरह, सॉन्ग वगैरह आता है आपको? कुछ पोएम्स वगैरह, कुछ पोएम्स याद है? कुछ पोएम्स वगैरह कुछ याद किए होंगे ना? मुझे एक पोएम आता है। हाँ चलो सुना। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन वह तो दिन भर रोता, इसलिए हम इसे चिड़ा कहते, इसको कक्कू, नाम है इसका कक्कू। चलो इनके लिए तालियां। चलो बेटी आपको आपको कौन कौन सा पोएम याद है? चलो कोई पोएम वगैरह, कुछ टेबल वगैरह याद है? चलो टेबल कहाँ तक याद है आपको? 12 तक। 5 का टेबल बोलो। 5 5 10 5 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
चलो 10 का बोलो। 10 1 10 10 2 2 20 10 3 3 30 10 4 50 10 6 10 7 10 7 10 9 10 10 10 100। चलो चलो। अच्छा ये बताइए कि आप लोग स्कूल जा रहे हैं तो हमें जीवन में पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? पढ़ाई का क्या महत्व है? एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है बताइए? पढ़ाई करके अपने को, जैसे कि कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई मास्टर बनते हैं, कोई कलेक्टर बनते हैं, तो पढ़ाई करेंगे तो क्या हमको फ़ायदा है, और नहीं पढ़ेंगे तो क्या नुकसान है बताइए? पता है पढ़ाई करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पुलिस बनेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो अपन फिर वैसे ही मजदूरी करेंगे कहीं पर, है कि नहीं? तो पढ़ाई करना है कि नहीं? देखो बिना पढ़ाई से कोई चीज़ मिलेगी क्या? कोई लक्ष्य मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। डॉक्टर बनना है, मास्टर बनना है, तो इसके लिए खूब पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके लिए एक टारगेट बनाना पड़ेगा आप लोगों को, है ना? अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो उसके लायक आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना? थोड़ा बहुत घूमना फिरना है, गेम्स खेलना है, मतलब जो भी आपके जो मतलब जो भी गेम पसंद करते हो। कौन सा गेम पसंद करते हो? क्रिकेट? हाँ, कौन सा? लुका छुपी। ये कोई गेम होता है? अच्छा, बहुत दिन हाइड एंड सी में आपने देखा होगा। देखो कि बहुत दिन बाद आप दिव्यांशी से मिले तो आपको कैसा लग रहा है बेटी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो अभी कितने दिन तक छुट्टी है आप लोगों की? मेरी 29 तक है। और आपकी बेटी? 26 और 25। मतलब 25 और 26 से दो, 26 से स्कूल स्टार्ट हो जाएगा ना? अच्छा, अभी खेती बाड़ी में अपन गए कि नहीं? खेत खेत तरफ घूमने गए? अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि खेत में क्या क्या चीज़ें अपन ने देखे अभी तक इस बार बारिश के समय? हाँ,
फसल कट गई? हाँ कैसे फसल कट गई ना? अच्छा सोयाबीन की फसल कट गई है ना, चलो ठीक है। तो आप लोग अच्छा पढ़ाई करो है ना, और पढ़ाई करके आपका जो लक्ष्य होगा आप वहाँ तक जाइए, और थोड़ा सा प्रयास करें कि मतलब उसको पाने के लिए अच्छा मेहनत करें है ना। तो आज से मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे करेंगे हाँ। और जब आप बड़े पदों में जाओगे, अच्छे जगह पर डॉक्टर बन जाओगे या और भी जो भी जहाँ आपको जाना है, तो उसके बाद जो गरीब तबके के बच्चों को मदद करोगे कि नहीं? मतलब जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं किसी अभाव में, संसाधनों के अभाव में, तो उनको मदद करोगे? हाँ। अगर देखो उनको मदद करोगे ना तो वो लोग भी अच्छा मेहनत करके अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे है कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं आप अच्छा पढ़ाई करोगे, करेंगे कि नहीं? करेंगे। कौन कौन पढ़ाई करेंगे? दोनों? चलो तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इधर देखो कैमरे के सामने, तो आपको बहुत सारे कैमरे में मतलब जब सोशल मीडिया में जब वीडियो डालूंगा तो बहुत सारे लोग देखेंगे और आपसे कुछ सीखेंगे कि कुछ हमें भी अपने बच्चों को इस प्रकार पढ़ाना चाहिए। तो सोशल मीडिया के जितने भी जो साथी लोग इस वीडियो को देखेंगे, मेरा उनसे अनुरोध है, उनसे निवेदन है कि आप भी अपने क्षेत्र के बच्चों को इस प्रकार मंच प्रोवाइड करें, ताकि बच्चों के अंदर का जो हेजिटेशन है, जो डर है, वो दूर हो, और आने वाले समय में बच्चों के अंदर अच्छे लीडरशिप डेवलप हो सके, और यही बच्चे समाज का, क्षेत्र का, जिले का, प्रदेश का, और एक दिन पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो हमें अपने क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के लिए बढ़ावा देना है, उनका मनोबल बढ़ाना है। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और बच्चों को भी सेवा जोहार। जय सेवा, जय सेवा।